हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फायर वाटर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिटेक्टर के बारे में। काफ़ी कमेंट जो बार बार कई बार क्या था वीडियो अपलोड, एक टॉपिक है, मैं काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। रियली मैं आपको वही बता देता हूँ कि हर एक टॉपिक का मेरा 2 से 3, 5, 4, 5 वीडियो एक टॉपिक से रिलेटेड जरूर मैंने डाले हैं। और हर एक वीडियो में थोड़ा लेटेस्ट करने की कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए सिंपल लैंग्वेज में। बट कुछ अपडेट होती है, या तो वो आप समझ नहीं पा रहे हो, या फिर मेरे कहने का तरीका कुछ अलग हो सकता है, इसलिए थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। पर आज फिर मैं सिंपल टाइप से बात करूँगा डिटेक्टर के बारे में। सभी का कमेंट था कि स्मोक डिटेक्टर के बारे में आप वीडियो बनाइए। स्मोक डिटेक्टर मैं आपको बता देता हूँ, स्मोक डिटेक्टर भी होता है, हीट होता है, एक दोनों का मल्टीपर्पज होता है। स्मोक और हीट, ये दोनों का मल्टी है, स्मोक और हीट, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है और क्या इसकी प्रक्रिया प्रणाली होती है? देखो, स्मोक डिटेक्टर है अपनी जो प्रोसेस, मतलब 100% किसी चीज़ को हम 100% मान के चलते हैं, कोई भी चीज़ हो, कि अगर 100% होती है, 100% में से उसका रिजल्ट निकालते हैं, तो उसी टाइप से स्मोक का 100% मान लीजिए। अगर 100 में से 10% इसको मिलेगा किसी भी टाइम, तो ये एक्टिव होगा। 10% पे ये इसकी सेंसिटिविटी है, या काम करने का जो उसका वो, मान लीजिए कि इसको खाना दे रहे हैं, वो खाना अगर 10% है तो ये एक्टिव होगा, तब ये कोशिश करेगा, अलर्ट करेगा। तो इसकी जो सेंसिटिविटी होती है, कनेक्टिविटी स्मोक से, वो 10% की होती है। 100 में से 10% स्मोक अगर इसको मिलता है तो ये एक्टिव होता है। तो इसकी अगर कोई इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है आपका कभी भी, स्मोक डिटेक्टर कितने, मतलब किस प्रोसेस में काम करता है, तो आप स्मोक का 10% उसका बता सकते हो। 10% जो है इसकी कनेक्टिविटी है, सेंसिटिविटी है, वो 10% पे ये काम करेगा। पहला यही है इसका। और सेकंड जो इसका जो स्पेस होता है वो अलग अलग होता है। सभी कई बार स्पेस जानने की कोशिश करते हैं कि सर डिटेक्टर टू डिटेक्टर की दूरी, स्प्रिंकलर टू स्प्रिंकलर की। देखो, जनरल में हम ये बात बेसिक बता देते हैं, आमजन में मुख्यतया इस टाइप में कई क्वेश्चन होते हैं जिसमें इसको बता दिया जाता है कि स्प्रिंकलर जैसे 8 से 10 फीट की दूरी मान लें, 3 मीटर की दूरी मान लेते हैं उस प्रकार से इसकी। तो लेकिन इसका एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूले पर निकलता है। पूरा बिल्डिंग आपका किस टाइप की बिल्डिंग है, क्या उसका सरफेस एरिया है, क्या उसकी प्रोसेस है, क्या उसमें बनता है, क्या उसमें बना हुआ है, लगा हुआ है, उसका एरिया जो स्पेस होता है उस पूरे एरिया का कैलकुलेशन, जैसे BA सेट का निकालते हैं वैसे कैलकुलेशन निकालते हैं, और उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इसका जो है डिटेक्टर लगता है। तो ये अंदर की बात है, NBC वगैरह में या कुछ अंदर की रिपोर्ट पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ें आपको बेसिकली जो है गहराई से जानने को मिलेगी। तो ये जो है, ये हमारा डिटेक्टर है, ये लगा होता है, जहाँ भी लगा होता है तो ये स्मोक से ही एक्टिव होता है। मैंने आपको बता दिया, स्मोक और हीट का भी इसमें कॉमन दे दिया है नए वालों में। तो ये जब इसको स्मोक मिलता है तो ये बत्ती जो इसमें दो रेड कलर की बत्ती ब्लैंक होती रहती है हमेशा, आप कभी भी देखोगे तो रेड बत्ती इसकी ब्लैंक होती रहती है। और वो बत्ती क्या करती है कि जब रेड हो जाएगी तो मतलब एक्टिव हो गया। तो ये कहीं कभी भी आपको कहीं भी आपके प्लांट में, इंडस्ट्री एरियाज में, कहीं भी आपका, जहाँ भी आपको इसको रूबरू होने का मौका मिला, तो आप हमेशा देखिए इसकी बत्ती रेड ब्लैंक हो रही है, तो ये काम कर रहा है अपना। इसको स्मोक दिया जाएगा तो बत्ती जो है रेड होके रुक जाएगी, तो मतलब ये एक्टिव हो गया। साइरन बजेगा, पैनल को ये कनेक्शन अलर्ट करेगा, पैनल जब कमांड देगा तो साइरन बजेगा, तो इसका लोकेशन वगैरह, इसका सिस्टम जो भी आपने सेट किया, अगर एड्रेसेबल है तो दिखाएगा, नॉन एड्रेसेबल है तो नहीं दिखाएगा, मतलब इसकी प्योर लोकेशन। तो उसके बाद इसको रीसेट का एक ऑप्शन होता है। रीसेट इसको कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। तो डिटेक्टर बहुत आसानी से खुल जाता है अगर आपको खोलने का तरीका है तो, नहीं तो खुलेगा नहीं किसी भी हालात में और ये खराब हो जाएगा। तो ये जो नॉर्मली इसमें स्पेस दिया हुआ है 2-3 जगह, उसमें आप टेस्टर की सहायता से जैसे इसको नॉर्मली से करोगे एक बार में, फिर दूसरे वाले में, फिर तीसरे वाले में, तो ये हमारा ओपन हो गया बिल्कुल, ठीक है। इसके अंदर के कुछ पार्ट्स हैं जिनका नाम भाई मुझे भी याद नहीं है, तो पार्ट्स के बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप चाहोगे पार्ट्स के बारे में जानने के लिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी पार्ट का अगर नाम जानना चाहोगे तो पार्ट का नाम है वो मैं आपको बता दूंगा बाद में, कभी भी जब भी मैसेज करोगे। तो ये इस टाइप का अंदर से शो होता है, सेंसर होता है, बिल्कुल सेंसर पे एक्टिव होता है। ये जो जाली होती है इसको अगर स्मोक इसमें अवरुद्ध उत्पन्न करता है तो ये एक्टिव हो जाता है बिल्कुल, और उसमें ज़्यादा कोई भी प्रोसेस नहीं है।
और उसको क्या करना है, सबसे पहले जब अगर इसको रीसेट करना है तो खोल लेना है, इसको खोल के अलग कीजिए। उसके बाद जाली है, जाली निकालिए। अगर आपके पास एयर ब्लोअर है तो एयर ब्लोअर से साफ कर दी, नहीं तो मुंह से इसको अच्छे से तेज से हवा, मतलब मुंह से हवा डाल के इसको आराम से तेजी से मुंह से फ्रेश एयर मारेंगे तो ये आराम से है वो सेट हो जाएगा। फिर इसको वापस मतलब हवा से इसको रीसेट करना है, हवा एयर ब्लोअर से या मुंह से इसको साफ करना है। साफ करने के बाद वापस इसको खोल लगा के इसको वापस सेट करके और वापस उस डिवाइस का जो सेकंड पार्ट होता है उसमें अंदर इसको कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद आपको पैनल में रीसेट करना है। रीसेट का बटन होता है पैनल में एक दिया हुआ, रीसेट का येलो कलर का आपको रीसेट का बटन मिलेगा, उसको रीसेट करिए। ग्रीन कलर का आपको एंटर का बटन मिलेगा, कहीं भी आप पैनल में तो रीसेट प्लस एंटर दबाओ तो उसको रीसेट हो जाएगा। वो पहले यहाँ से इसको कलर क्लियर करना जरूरी है, उसके बाद पैनल से रीसेट करोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, दोबारा ब्लैंक कर जाएगा। अगर फिर भी नहीं हुआ तो आप इसको जाके देखिए, ये वापस बत्ती ब्लैंक अगर रेड फिर है तो फिर आपको दोबारा इसको क्लीन करना पड़ेगा, और अच्छे तरीके से क्लीन करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर ये ब्लैंक है, रीसेट नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसमें डस्ट वगैरह या फिर स्मोक का वो किसी कारणवश अंदर कुछ ना कुछ उसका अवशेष रह गया तो ये होता है। तो डिटेक्टर तो 4 से 5 प्रकार के इसको मानते हैं। स्मोक डिटेक्टर होता है, हिट होता है अपना, फ्लेम डिटेक्टर होता है, और एक बीम डिटेक्टर होता है। बीम और स्मोक सेम से ही है, सेंसर टाइप होता है, वो भी एक लेजर टाइप लाइटिंग होती है उसमें। तो बीम डिटेक्टर क्या होता है, जैसे स्मोक डिटेक्टर है, हीट डिटेक्टर है, ये जो निश्चित दूरी की जो बिल्डिंगें होती है उसमें हम लगाते हैं, कॉमन जो स्पेस होता है। लेकिन जो अपना बीम डिटेक्टर होता है वो जैसे गोदाम हो गया, माल गोदाम वगैरह, जिसकी हाइट ज़्यादा हो, कोई भी एरिया हो जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा अधिक हो, उस हाइट में स्मोक डिटेक्टर बहुत काफ़ी ऊपर होते हैं, हो जाते हैं, नीचे लगा नहीं सकते। तो बीम डिटेक्टर साइड बीमों में देते हैं और एक दूसरे पर लाइटिंग करते हैं। उसमें अगर स्मोक का, डस्टिंग का या किसी प्रकार का उसकी किरण को अवरुद्ध करेगा स्मोक के डस्टिंग, तो वो क्या एक्टिव हो जाएगा और अलर्ट हो जाएगा, मतलब वो उसी टाइम होगा जिस टाइम इस प्रकार की अगर कोई एक्सीडेंट या घटना होती है तो जिसका स्पेस या एरिया मान सकते हैं हम, जिसकी हाइट ज़्यादा है, जैसे मॉल हो गया, कई जगह मतलब मॉल में तो जनरली यही मिलेगा, बट मॉल का अंदर अगर PVR वगैरह है, थिएटर है, PVR वगैरह है, उन टाइप में अगर कोई बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है जिसकी हाइट ज़्यादा है, उस टाइप के जो एरियाज होते हैं उसमें आपको बीम डिटेक्टर ही मिलेगा 100%। और सेम वो कार्य प्रणाली दोनों की सेम है, बस उसमें वो हाइट के कारण उसका एक जो सेंटर पॉइंट है वो अलग से साइड में दे दिया, ये इस टाइप से ऊपर लगा हुआ है, वो साइड में लगा होता है और उसकी किरण है वो एक क्रॉसिंग करती है, और जैसे अगर नीचे कोई एक्सीडेंट होता है उसमें स्मोक है वो ऊपर को उठता है, उसकी बीम को अवरुद्ध करता है, और उसका जो अवरुद्ध करता है बीच से तो वो एक्टिव होता है। तो बीम डिटेक्टर जहाँ ही लगते हैं जहाँ बिल्डिंग की फ्लोर एरिया की हाइट ज़्यादा हो, जैसे गोदाम में या फिर सिनेमा घर या फिर ये ड्रामा के थिएटर सेंटर इस टाइप के, जहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह का जो प्रोग्राम होता है, जहाँ पे मतलब काफ़ी बड़ा जो एरियाज होता हो, मतलब एक टाइप से बहुत बड़ा जिसमें ऊपर की हाइट बहुत ज़्यादा हैवी हो, तो उसमें ये डिटेक्टर बीम का उपयोग किया जाता है।